अभी ठीक है, बोले सलाम नमस्कार। आज पूरे भारतवर्ष में ही अपने अमृत काल 75वीं वर्षगांठ हमारे भारत की रिपब्लिक की, हमारे भारत की इंडिपेंडेंस के बाद से ये फंक्शन पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूरे देश में ही 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी घरों पे झंडे फहराने हैं, ऐसा एक निर्णय लिया गया है राज्य पूरे नेशनल लेवल एक गवर्निंग काउंसिल के द्वारा। आज इस उत्सव के आरंभ हमने ले पैलेस में शुरू करा है, जहां पर तिरंगा फहराकर एक सिग्नल दिया गया है पूरे लद्दाख को कि आज से ये कार्यक्रम शुरू हो गया। इस कार्यक्रम में एडमिनिस्ट्रेशन ने, हिल काउंसिल, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का एक हौसला, एक डिसीजन लिया है और इस पर जहाँ तक मेरे जानकारी है बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है। स्कूलों में, घरों में, मार्केट्स में, ऑफिसेज में, हर जगह ही तिरंगा फहराया जा रहा है। आइए, आज का एक ऐसा ओकेजन है, हम सब मिलकर इस ओकेजन को एक यादगार ओकेजन बनाएं और 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम को एक बहुत बड़ी सक्सेस बनाएं, जो कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका नाम सुना जा सके। इसी अपील के साथ मैं सबको इस 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि लद्दाखवासी सभी मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। झूले सलाम नमस्कार। मोदी है तो मुझे जब इस साल 75 साल जब इंडिपेंडेंस का पूरा हुआ तो अमृत महोत्सव के तहत हमें ये मौका भी मिला कि अपने घरों के ऊपर हिंदुस्तान के झंडे या हमने नेशनल फ्लैग्स को लहरा सके। उससे पहले क्या होता था कि मतलब मास गैदरिंग के दौरान ही हम सिर्फ फ्लैग होस्टिंग का फंक्शंस करते थे, लेकिन इस साल अमृत महोत्सव के तहत हम हर घर में अपना अपना देश का तिरंगा लहरा सकता है लहराएंगे।